झालावाड़ जिले के चौमहला में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को हवाई मार्ग से पहुंची, जहां बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर दर्द का मंजर देखा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राजे ने पीड़ितों के लिए स्वयं की ओर से 5 लाख सहित पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से 31 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। वसुंधरा राजे ने सुबह 10:30 बजे चौमहला के कृषि उपज मंडी प्रांगण में लैंड किया, फिर कार में सवार होकर बाढ़ग्रस्त ग्राम पीपाखेड़ी, बोरखेड़ी, आखिया परमार, गंगधार, मल्हारगंज का दौरा कर हालात का जायजा लिया। साथ ही पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके हालचाल जाने तथा दुख दर्द में साथ खड़े रहने की बात कही तथा बाढ़ के समय ग्रामीणों की मदद करने वाले धार्मिक, सामाजिक व भाजपा कार्यकर्ताओं सहित लोगों को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा क्षेत्र की बर्बाद हुई खरीफ की फसलें व गांव में धराशायी हुए मकानों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाने की बात की। इस दौरान विधायक कालूराम मेघवाल, भाजपा कार्यकर्ता दिनेश करावन, नारायण सिंह, गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, सुल्तान सिंह, उप प्रधान नरेंद्र कोठारी, अरविंद अग्रवाल, गोपाल शर्मा, लक्ष्मण सिंह, सुरेंद्र सिंह, संतोष सोनी, आदित्य कटारिया, जगदीश भावसार, राजू नीमा, नरेंद्र सिंह, वासुदेव विश्वकर्मा, राजेश जैन, करण सिंह, संजय राठौर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता साथ रहे। खबर आपकी राजस्थान से, मनोज कसेरा और आबिद। तो इन सब चीजों के ऊपर आप लोग बैठे हैं और आप लोगों ने इनकी रिपोर्ट भी बना ली है और मैं समझती हूँ कि रिपोर्ट बनाने के बाद वो कह रहे हैं कि शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिसमें इतना सारा पानी आया है, जो 70 से नीचे माने जिसका नुकसान है, फसलों में जो नुकसान है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो इनकी जाती है उसमें वो कह रहे हैं कि 70 से ऊपर ही नुकसान हुआ, उससे नीचे नहीं हुआ है। और मैं खुद ने अभी जब आ रही थी तो इन गाँव के ऊपर से होते हुए आई हूँ, मैं देखा है कि काफी नुकसान हुआ है। सबके कपड़े सूख रहे हैं, सबके माने ईंट के ढेर पड़े हुए हैं, जो मकान इधर उधर हुए हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारा भी, इसीलिए मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि सबसे पहले गाँव को ठीक करने का, आप लोगों को भूखे नहीं रहने का और जितनी आपकी हम मदद कर सकते हैं उतनी मदद करने का हमारी कोशिश है। मुआवजे का आगे चल के आप लोगों को सही मुआवजा मिले, इसकी एक रिपोर्टिंग सही बने, वो तुरंत करवा के वहाँ भिजवाने का काम।